माइंड मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। फिर से वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे और वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा 1.5 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्लो मो करना है। जो भी पार्ट आपको स्लो मोशन चाहिए, तो सिंपल सी मान लो आपको सेकेंड पार्ट स्लो मोशन चाहिए तो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। और इसके बाद इस पार्ट को आपको स्लो मो करना है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। आपका वीडियो फर्स्ट वाले वीडियो नॉर्मल हो जाएगा और सेकेंड वाले वीडियो आपका स्लो मो हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको 5 सेकेंड के आसपास वीडियो रहने देना है, तो मैं यहाँ पे 5.0 तक रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और स्ट्रेक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। आइडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक कुछ इस तरह से लेकर आ जाना है। सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको 2 से 3 सेकेंड तक का पार्ट चाहिए। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करते हैं, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद मीडिया पे आएंगे। मीडिया पे आने के बाद आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे हैं सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो हमारा लेफ्ट साइड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट सारा रिमूव हो चुका है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे, यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। वीडियो आपको स्लो मोशन में हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 0.5 रख देता हूँ। इसके बाद इसे डन करेंगे, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आगे की तरफ आना है और यहाँ पे 2 से 3 सेकंड तक का पार्ट आपको चाहिए और बाकी का पार्ट एक्स्ट्रा का रिमूव आपको कर देना है। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट कुछ इस तरह से आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो के बीच में आपको जो अपने स्पीड टू प्ले हिट किए थे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। एक्सीलेशन में आना है और यहाँ पर आपको स्पीड इन कर देना है या फिर स्पीड आउट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्पीड इन कर देता हूँ। इसके बाद फिर से आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको फिर से हमें ट्रांजेक्शन पे आना है, एक्सीलेशन पे आना है और यहाँ पे आपको स्पीड आउट कर देना है। इस तरह से आप ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें यहाँ पे आना है एक्सीलेशन पे। यदि आपके काइनमास्टर में एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है, आपको क्या करना है, गेट मोड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काइनमास्टर स्टोर में आना है और यहाँ से आपको एक्सीलेशन को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको यहाँ पे भी एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं जो काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज करता हूँ इस एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ लास्ट में आपको स्पीड अप या फिर स्पीड डाउन भी दे सकते हैं। इसके बाद डन करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जितने भी आपको ट्रिम टू आपको राइट कर देना है, तो एक्स्ट्रा पार्ट जितने भी हमें एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, इस बीच में हमें ट्रांजेक्शन साउंड देना है। सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक साउंड लिंक दे दूँगा, उस साउंड लिंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसे करना है। इसके बाद कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। सिंपल था, आपको बीच में ही आपको ट्रांजेक्शन साउंड ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको सेंटर में ऐड कर देना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इस वीडियो में आइडियो जो है आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। इस साउंड को क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेना है और इस साउंड को फिर से हमें यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है। सिंपल फिर से इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और फिर से इस साउंड को आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है।
मैंने देख सकते हैं यहाँ पे साउंड को मैंने एडजस्ट कर दिया हूँ, और एडिट करते हो तो इस तरह से जूम इन जूम आउट करके आप बिल्कुल आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन साउंड ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको साउंड भी ऐड कर लेना है। यदि आप साउंड ऐड हो जाएगा तो आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं साउंड को ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने साउंड को ऑफ कर दिया हूँ, और ओरिजिनल साउंड को भी आपको ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक बार वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वाले वीडियो हमारा नॉर्मल था, सेकेंड वीडियो स्लोमो में आ गया, यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा वीडियो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो इस तरह से आपको इस टाइप के वीडियो बना सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ करना है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। तो इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, यदि आपके वीडियो में अगर फिल्टर आपको ऐड करना है तो सिंपल कैसे ऐड करना है मैं दिखा देता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, और कुछ इस तरह से फुल साइज कर देना है, और यहाँ पे आउट एनिमेशन में आना है, और यहाँ पे फिल्टर कर देना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको और देखने में बेहतरीन लग रहा है। कुछ इस तरह से आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कलर कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से जो भी कलर चाहिए यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं येलो कलर सेलेक्ट कर दिया तो देख लेना हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप चाहे तो फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो को आपको किस तरह से अपलोड करना है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो वीडियो देख लेना है, वीडियो को आपको किस प्रकार अपलोड किया जाता है टिकटॉक पर, जिसकी मदद से आपके टिकटॉक वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आ सकते हैं।